शहर में एक मंदिर से मूर्ति चोरी हो जाती है, फिर बहुत सारे मंदिरों से मूर्तियां चोरी होने लगती है। ये खबर मेहुल तक पहुंच जाती है। मेहुल अपनी गाड़ी लेकर मंदिर में पहुंच जाता है और पुजारी से बात करता है, ये मूर्ति कब चोरी हुई है। तब पुजारी कहता है, बेटा कल रात को आरती करने के बाद मैं घर चला गया था, जब वापस आया तो मूर्ति गायब थी। लेकिन मंदिरों के चारों ओर बहुत लोग रहते हैं, किसी ने कुछ ना कुछ तो देखा होगा। वहीं पास में 3-4 लोग खड़े हुए थे। क्या आप लोगों में से कोई मुझे मूर्ति की फोटो दिखा सकता है जो चोरी हो गई है। तब एक आदमी अपना मोबाइल लेकर आगे आता है और मेहुल को मूर्ति की फोटो दिखाता है। मेहुल मूर्ति को ध्यान से देखता है। तभी मेहुल की नजर मंदिर के पीछे की एक बड़ी सी खिड़की पर पड़ती है। खिड़की देखते ही मेहुल समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। क्यों लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ऐसा क्यों लगा, क्या आप बता सकते हैं? खिड़की के नीचे देखिए, खिड़की के सारे स्क्रू वहां पड़े हुए हैं। मेहुल खिड़की के पास जाता है और उसे हल्का सा धक्का देता है तो खिड़की नीचे गिर जाती है। मेहुल सारा मामला समझ जाता है, इसका मतलब वो चोर खिड़की से अंदर आए थे और मूर्ति चुरा कर ले गए हैं। मेहुल भी उसी खिड़की से होकर बाहर निकलता है और थोड़ी दूर तक जाता है। आगे उसे गीली मिट्टी दिखाई देती है। मेहुल थोड़ा और आगे जाता है तो उसे 3-4 लोगों के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, भला ये कैसे संभव है? तो क्या आप चोरों के पैरों के निशान को देख के बता सकते हैं यहाँ क्या गड़बड़ है? मेहुल को क्या इंटरेस्टिंग लगा? यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि उस खिड़की से केवल जाने के निशान थे, मतलब चोर मूर्ति लेकर उस खिड़की से गए तो होंगे, लेकिन उस खिड़की की तरफ आने के कोई निशान नहीं है। इसका मतलब चोर मंदिर के सामने वाले रास्ते से आए होंगे और मूर्ति लेकर खिड़की से निकल गए होंगे। तभी पंडित जी मेहुल को बताते हैं कि मंदिर को तो लॉक कर दिया था। इंटरेस्टिंग, मतलब वो मंदिर में आए और छुप गए और फिर विंडो निकालकर उसमें से भाग गए, लेकिन वो मंदिर में कहाँ छुप सकते हैं? मेहुल ध्यान से मंदिर को देखता है तो उसे मंदिर में एक सीक्रेट दरवाजा दिखता है। क्या आप ये दोनों दीवारों को देख के बता सकते हैं सीक्रेट दरवाजा कहाँ पे है? सोचिए लॉजिकल आर्मी। मंदिर में ये मिरर क्यों है और मिरर में ये पुल करने का नॉब क्यों है? मेहुल नॉब को पकड़ के खींचता है तो अंदर एक कमरा दिखता है। जरूर चोर यहाँ छुपे होंगे। इतने में मेहुल को एक और कॉल आता है कि शहर के एक और मंदिर से मूर्ति चोरी हो गई है। मेहुल तुरंत उस मंदिर के लिए निकल जाता है। मेहुल मंदिर में पहुंच के पंडित जी से मिलता है। तब पुजारी कहते हैं, बेटा ये मंदिर दिन रात भक्तों के दर्शन के लिए खुला रहता है, कल रात को कोई मूर्ति चुरा के ले गया, ऐसे लोगों को तो नर्क मिलेगा। मेहुल पुजारी से चोरी हुई मूर्ति की फोटो देखता है। इंटरेस्टिंग, मूर्ति तो काफी बड़ी है और ये मंदिर रात भर खुला था, तो चोरी कब हुई? बेटा करीब 4 बजे हमने द्वार लगाए थे, 1 घंटे के लिए उसी बीच में चोरी हो गई। समझ नहीं आया चोर अंदर कैसे पहुंचे। मेहुल मंदिर को अंदर से चारों तरफ से देखता है तो उसे कुछ इंटरेस्टिंग क्लूज मिलते हैं। लॉजिकल आरबी, ये मंदिर को ध्यान से देख के आप बता सकते हैं मेहुल को क्या क्लूज मिले और उसे क्या समझा? दीवार पर देखिए पैरों के निशान है, जैसे कोई ऊपर से रस्सी के सहारे नीचे आया हो, कुछ इस तरह से। मेहुल ऊपर देखता है तो उसे वहां एक होल दिखता है, मतलब चोर इसी होल से अंदर आए और मूर्ति को इसी होल से बाहर लेके गए और पीछे वाले रास्ते से भाग गए। मंदिर के पीछे एक कच्चा रास्ता था। मेहुल वहां जाकर देखता है तो वहां उसे पहियों के निशान मिलते हैं। मेहुल उन्हें फॉलो करता हुआ आगे जाता है तो ये रास्ता थोड़ी दूर जाकर हाईवे पे खत्म हो जाता है। अभी तक मेहुल के हाथ में कोई सुराग नहीं लगा था। तभी मेहुल को एक कॉल और आता है कि कल रात शहर के एक और मंदिर में चोरी हो गई थी। मेहुल उस मंदिर का एड्रेस लेता है और मंदिर पे पहुंच जाता है। मेहुल जैसे ही उस मंदिर के पास पहुंचता है वो ऑब्जर्व करता है कि तीनों मंदिरों में एक चीज कॉमन थी। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच के बता सकते हैं मेहुल ने क्या ऑब्जर्व किया जो कॉमन है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। गौर कीजिए, तीनों मंदिर सड़क के किनारे है और एक ही हाईवे से कनेक्टेड है। इसका मतलब हो सकता है कि एक ही चोर ने तीनों मंदिरों में चोरी किया हो एक के बाद एक। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इसका मतलब वो कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता बल्कि पूरी गैंग है। मेहुल यही सब सोचता हुआ मंदिर के अंदर चला जाता है और वहां पुजारी से कहता है ये चोरी कब हुई है और कैसे हुई है। तब उस मंदिर का पुजारी बताता है कि ये चोरी कल रात को हुई। मंदिर का दरवाजा बाहर से लॉक था और उसपे दो बड़े बड़े ताले लगे हुए थे, पता नहीं चोरों ने ताला कैसे तोड़ दिया। मेहुल दरवाजे के पास जाता है
और उन टूटे हुए तालों को देखता है। तो क्या आप इन दोनों तालों को देख के बता सकते हैं इन्हें कैसे तोड़ा गया होगा? सोचे लॉजिकल आर्मी। इन तालों को तोड़ा नहीं गया है बल्कि किसी कटर से कट किया गया है। उनकी सतह देखिए, एकदम प्लेन और साफ है, का मतलब चोर पूरी तैयारी के साथ आए थे। मंदिर में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं है, वरना कुछ सुराग मिल जाते। वो पुजारी मेहुल को उस मूर्ति की फोटो दिखाता है जो चोरी हो गई थी। फोटो देखते से मेहुल समझ जाता है कि तीनों मूर्तियों में कुछ कॉमन है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं तीनों मूर्तियों में क्या कॉमन है? तीनों मूर्तियां देवी की है और उनमें बहुत सारा सोना और चांदी लगा हुआ है। अब मेहुल के समझ में आ गया था, चोर केवल उन्हीं मूर्तियों को चुरा रहे हैं जिसमें बहुत सारा सोना चांदी लगा हुआ हो और जो देवी की मूर्तियां हो। मेहुल कुछ जाबाज पुलिस अफसरों की मदद से एक योजना बनाता है ताकि वो उन लोगों को पकड़ सके और शहर के मंदिरों की मूर्तियां सुरक्षित रहे। मेहुल शहर के एक मंदिर में बहुत बड़ी देवी की मूर्ति की स्थापना करता है और बहुत सारा नकली सोना चांदी और हीरे की मलाएं उस मूर्ति पे चढ़ा देता है और शहर में उसका बहुत प्रचार करवाता है। शहर की हर गली और चौराहे पर उस मंदिर का नाम लगा होता है। रात होते ही मेहुल और पुलिस ऑफिसर्स भेष बदलकर मंदिर में बैठ जाते हैं। रात होते ही दो लोग मंदिर में आते हैं और मंदिर के अंदर जाके मूर्ति के सामने प्रार्थना करने लगते हैं। तब एक पुलिस ऑफिसर मेहुल से कहता है, लगता है ये दोनों चोर है। नहीं, ये दोनों चोर नहीं है। क्यों लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं मेहुल इतना यकीन से कैसे कह सकता है कि ये दोनों चोर नहीं है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ध्यान से देखिए, उन दोनों ने गले में आईडी कार्ड पहना हुआ है जिसमें उनका नाम और बैच नंबर भी लिखा हुआ है। अब कोई फॉर्मल ड्रेस पहन के आईडी कार्ड लगा के चोरी करने तो आएगा नहीं। फिर भी मेहुल तुरंत अपने मोबाइल में उनकी कंपनी और उनका बैच नंबर चेक करता है और समझ जाता है कि दोनों किसी कंपनी में काम करते हैं और आज नाइट शिफ्ट पे है। थोड़ी देर बाद वहां तीन चार लोग आते हैं। दो लोग मंदिर के पीछे जाते हैं और दो लोग अंदर जाते हैं। फिर चारों बाहर आके मिलते हैं और मंदिर के नीचे जाके कुछ डिस्कस करने लगते हैं। मेहुल समझ जाता है कि यही लोग मंदिर में चोरी करने वाले हैं। कैसे? लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ये कैसे समझ जाता है? क्या आप सोच सकते हैं? दो लोग मंदिर के पीछे गए और फिर बाहर निकलकर वापस नीचे चले गए। दर्शन तो किए ही नहीं, तो मंदिर क्यों आए थे? वो बस मंदिर के आसपास की चीजों को देखने आए थे जिससे वो चोरी का प्लान बना सके। मेहुल ये समझ जाता है और पुलिस को अलर्ट कर देता है। पुलिस चारों को पकड़ लेती है और उनके अड्डे से बाकी मूर्तियां भी मिल जाती है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स।